राधे राधे मित्रों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ई अक्षर से शुरू होता है उन लोगों के जीवन में साल 2022 में क्या क्या परिवर्तन क्या क्या बदलाव होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका है जिस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एवं इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें एवं इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्तरेखा या अपने जीवन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्प्ले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस नंबर पे यदि आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अवश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ई नाम वाले लोगों के जीवन में साल 2022 में क्या क्या बदलाव होगा सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके कैरियर के बारे में मित्रों साल 2022 में आपके करियर के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर होगा साल 2022 के शुरुआत में आपके कैरियर के क्षेत्र में आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी आने वाले समय में आप अपने काम एवं अपने मेहनत के दम पे अपना पहचान बनाएंगे मित्रों आप में से जो भी जातक के व्यापारी हैं कारोबारी हैं तो आने वाले समय में आपके व्यापार के क्षेत्र में आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी वैसे आप में से जो भी जातक नौकरी करते हैं तो साल 2022 में आपके नौकरी के क्षेत्र में भी आपके समय का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा आने वाले समय में आपके ऑफिस में आपकी तरक्की होगी आपके पद में आपके सैलरी में कुछ वृद्धि अवश्य होगा मित्रों आने वाले समय में जो आपके सहकर्मी हो, जो आपके कर्मचारी हो, या जो आपके सीनियर हो, इन लोगों के साथ अपने संबंध को आपको मजबूत करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदि आपको इन लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक बेरोजगार हैं एवं साल 2022 में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ अवश्य देगा साल 2022 में यदि आप नौकरी की तलाश करते हैं तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगा मित्रों इसके बाद है आपका आर्थिक जीवन यानी कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन मित्रों साल 2022 में आपका आर्थिक जीवन सामान्य तौर पे सही रहेगा इस वर्ष में पैसे कमाने के लिए आपको नए नए स्रोत मिलेंगे इससे पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो साल 2022 में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा मित्रों आने वाले समय में आप कोई घर ज़मीन गाड़ी या कोई भी लग्जरी चीज खरीद सकते हैं इसके अलावा आप में से बहुत से जातक के आने वाले समय में अपने पैसे को गहना जेबर के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं मित्रों साल 2022 में यदि आप कहीं भी पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टि कौन से आपका समय आपका साथ अवश्य देगा लेकिन आने वाले समय में यदि आपके शिक्षा की बात करें तो आने वाले समय में अपने पढ़ाई लिखाई अपने शिक्षा के ऊपर में समय के दुरुपयोग से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदि आप अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं अपने समय के महत्व को यदि आप नहीं समझते हैं तो साल 2022 में आपके पढ़ाई लिखाई आपके शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का सामना आपको अवश्य करना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो साल 2022 में प्रतियोगी परीक्षा में आपको भाग लेना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा मित्रों आने वाले समय में यदि आपके घर परिवार आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आने वाले समय में अपने घर परिवार के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए मित्रों आने वाले समय में यदि आपके घर परिवार में कहीं कोई परेशानी कहीं कोई समस्या हो तो आने वाले समय में उस परेशानी को इग्नोर करने से आपको बचना चाहिए आने वाले समय में अपने घर की परेशानी को आपको दूर करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके घर का माहौल आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा खराब होगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर एवं शानदार होगा मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बेहतर एवं शानदार बनाने के लिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर एवं शानदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरव कमेंट कर दें धन्यवाद